हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा, जिसके लिए मैंने साबूदाने को भिगो के रख लिया है 2 घंटे तक। इसको लोग फास्ट में खाते हैं और ऐसे भी इसका बड़ा, इसका खीर बहुत लोग पसंद करते हैं। इसको लोग दुर्गा पूजा में, नवरात्रि के फास्ट में बहुत ज़्यादा खाते हैं। कर लेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे धनिया पत्ता। काफी फ्लेवर अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोग प्याज नहीं डालते। ये फास्ट में भी खा सकते हैं, तो इसमें हम लोग प्याज वगैरह कुछ नहीं डालते। इसमें धनिया पत्ता, हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमने 3 से 4 हरी मिर्च भी ले ली है, थोड़े छोटे छोटे कटिंग करके धो के। जरूर खा सकते हैं, इसका हेल्थ बेनिफिट्स है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे, जिससे कि बड़ा बन सके। कोई भी एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए, इसके लिए आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल का आटा या फिर नॉर्मल आटा, आपको जैसे पसंद है। जितना हेल्दी आटा है वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम लोग छोटा छोटा बॉल बना के थोड़ा चिपटा कर देंगे और अब इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। फ्राई करने में तेल गर्म हो गया, मुझे लग रहा है तेल थोड़ा सा और गर्म होगा। तो अब हम डालेंगे बड़े को और एक एक करके सारे बड़े को छानेंगे। इतना ही मज़ेदार भी होता है खाने में, तो एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करना। मैं इसको पलट पलट के दोनों तरफ से पका रही हूँ और ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होता है बड़ा, और बहुत इजी भी है। तो आप महीने में एक बार तो बना के खा ही सकते हैं। साबूदाना जो है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है एनीमिया का, तो वो लोग भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप खाइए, ये बहुत अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। तो देखिए इसी तरह से मैं
कर रही हूँ। बड़ा को हम लोग मीडियम आंच पे बनाएंगे और इसी तरह सब्जी को फ्राई कर लेंगे। आप इसको किसी के चटनी या फिर सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप नॉर्मली भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मैंने इसके लिए हरी चटनी ली है। देखिए बड़ा कितना अच्छा दिख रहा है, इतना ही मज़ेदार है भी खाने। एक बार जरूर ट्राई करें घर पर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे सजाऊं। कोई बात नहीं, मेरा प्लेटिंग अच्छा हो ना हो पर ये बड़े बहुत मज़ेदार के हैं। तो एक बार आप घर पर ज़रूर बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।